वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पेपर हैकर आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की ठीक है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पढ़ेंगे इससे पहले हमने एक से थर्ड यूनिट तक ठीक है वन टू थर्ड यूनिट तक आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं ठीक है आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर नम, यूनिट नंबर फोर्थ ठीक है फोर्थ यूनिट क्या है आपका अगर हम इसकी बात करें यूनिट फोर्थ की ठीक है तो इसमें किसका अध्ययन किया गया है ठीक है तो इसमें आपका पेलियो बॉटनी ठीक है जिसे हम जीवाश्म विज्ञान कहते हैं क्या कहते हैं जीवाश्म विज्ञान ठीक है ये आपका इकाई का नाम है यूनिट का नाम है क्या पेलियोबॉटनी या जीवाश्म विज्ञान तो जीवाश्म विज्ञान या जीवाश्मों से संबंधित जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे वो सभी इसमें रखे गए हैं ठीक है तो याद रखना है क्या पेलियोबॉटनी हम पढ़ रहे हैं मतलब जीवाश्म विज्ञान ठीक है तो इसी से मिलते जुलते क्वेश्चन आपके इसमें होंगे ठीक है चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर वन कह रहा है पेंटोलॉजी ठीक है लुप्त हुए पौधों का एक वर्ग जिसकी खोज की थी जो पेंटोलॉजी है ये क्या है आपका पेंटोलॉजी एक ऐसा वर्ग है जिसमें किसको रखा गया है लुप्त हुए पौधों को रखा गया है ठीक है जो पौधे लुप्त हो गए आपके अब नहीं है पहले थे अब नहीं है एक्सटेंट हो गया उनका तो ये इसकी खोज किसने की थी ये आपको बताना है ठीक है क्या केसी मेहता ने की थी या एस आर कश्यप ने की थी या बीरवल सहानी ने की थी या आपका ए सी शेरवाड़ ने की थी ठीक है तो आंसर करिए क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू यू फर्स्ट क्वेश्चन का चलिए तो ये थे आपके बीरवल साहनी ठीक है कौन थे आपके बीरवल साहनी जिन्होंने किसकी खोज की थी पेंटोलॉजी की ठीक है किसकी पेंटोलॉजी की ठीक पेंटो है जिसमें विलुप्त हुए पौधों को रखा गया है क्वेश्चन नंबर दो भारतीय जीवाश्म वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है ठीक है किसके आपके इंडियन पेलियोबोटनी के जो फादर हैं कौन है ये आपको बताना है ठीक है क्या एम एस स्वामीनाथन है या आपके डी डी पंथ है या आपके के सी मेहता है या बीरबल साहनी है ठीक है तो आंसर कीजिए सेकंड का क्या हो जाएगा आपके अनुसार चलिए तो ये भी आपके कौन है भाई बीरबल साहनी ठीक है कौन है बीरबल साहनी, साहनी इसी के जनक है ठीक है जीवाश्म भारतीय जीवाश्म वनस्पति भीण, विज्ञान के जनक आपके कौन है बीरबल सहानी ठीक है आंसर क्या हो जाएगा आपका दाह हो जाएगा ठीक है थर्ड पौधों के जीवाश्मों के ठीक है पौधों के जीवाश्मों मतलब कि जो पौधे पहले हुआ करते थे अब वो पौधे जीवित नहीं है लेकिन उनके जीवाश्म या फॉजिल अभी भी कहीं रखे हुए ठीक है के अध्ययन शाखा के पिता हैं ठीक है थीके? जिस पौधों के जीवाश्मों के अध्ययन शाखा के पिता हैं ठीक है विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं पौधों के जीवाश्मों का अध्ययन ठीक है तो उसके जनक कौन है या पिता कौन है ये बताना है प्रोफेसर बीरवल सहानी है प्रोफेसर आपके रामदार हैं या प्रोफेसर एस एस वीर हैं या प्रोफेसर आपके सक्सेना है ठीक है तो चलिए बताइए कि जीवाश्मों के अध्ययन करने की शाखा जनक कौन है ठीक है तो ये भी कौन हो जाएंगे आपके बीरबल साहनी ठीक है प्रोफेसर बीरबल साहनी ठीक क्वेश्चन नंबर फोर कह रहा है बीरबल साहनी ठीक है पुरा वनस्पति संस्थान भारत में कहाँ है ठीक है तो इनके नाम से एक पुरा वनस्पति संस्थान भी रखा खोला हुआ है वो कहाँ है आपके भारत में ये आपको बताना है ठीक है क्या लखनऊ में है या हैदराबाद में है न्यू दिल्ली में है या बैंगलोर में है ठीक है तो आंसर कीजिए कि जो आपका बीरवल साहनी पुरा पुरा वनस्पति संस्थान भारत में है कहाँ पर है ये बताना है ठीक है चलिए आंसर कीजिए फोर्थ का क्या हो जाएगा ये आंसर ठीक है लखनऊ कहाँ पर है ये पुरा वनस्पति संस्थान आपका लखनऊ में है ठीक है जो कि आपके प्रोफेसर बीरवल साहनी के नाम पर रखा गया है ठीक है क्वेश्चन नंबर फाइव कह रहा है जीवाश्म अध्ययन किस शहर में है क्या है आपका जीवाश्म अध्ययन किस शहर में है जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है वो जगह कहाँ है ये आपको बताना है क्या दिल्ली में है या आगरा में है मुंबई में है या आपका लखनऊ में है ठीक है तो आंसर क्या हो जाएगा फिफ्थ का ठीक है फिफ्थ का आंसर क्या हो जाएगा तो ये कहाँ था अभी हमने पढ़ा था क्या था लखनऊ क्या था आपका लखनऊ ठीक है तो आंसर क्या हो जाएगा आपका दाह हो जाएगा Six, कह रहा पादप है, पादप पादप है पादप फौजिल पाए जाते हैं ठीक है पादप फौजिल या पादप जीवाश्म क्या पाए जाते हैं पादप जीवाश्म पाए जाते हैं चट्टानों पर पाए जाते हैं हवा में पाए जाते हैं पानी में पाए जाते हैं या कहीं नहीं पाए जाते हैं तो बताना है कि जो आपके पादप फौजिल है वो कहाँ पाए जाते हैं या कहा नहीं पाए जाते हैं ठीक है थीके? तो पादप फौजिल आंसर कीजिए क्या हो जाएगा आपका ये ठीक है जो आपके पादप फौजिल है वो कहाँ पाए जाते हैं चट्टानों पर तो आप आंसर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा सिक्स का ठीक है आपके पादब फॉजिली में अध्ययन किया जाता है किसमें पेलियोबोटनी में, में अध्ययन किया जाता है किसका पादप जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है या लुप्त जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है आ और दोनों का किया जाता है या इनमें से कोई नहीं ठीक है तो जो आपका पेलियोबॉटनी है वो क्या है आपका एक जीवाश्म विज्ञान है लेकिन इसमें किसका अध्ययन किया जाता है केवल पादप जीवाश्मों का या जंतु जीवाश्मों का यही दो है जिनमें से आपको बताना क्या ये दोनों है क्या इनमें से कोई एक है ठीक है चलिए आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर सेवन का क्या हो जाएगा आपका तो अगर हम पेलियोबोटनी की बात करें तो इसमें क्या आ जाता है आपका केवल पादप जीवाश्म ठीक है क्या आ जाएगा केवल पादप जीवाश्म ठीक है पेलियोबोटनी में Eight, कह रहा निम्न में से कौन सा जीवित जीवाश्म है ठीक है कौन सा है आपका जीवित जीवाश्म या लिविंग कौन सा है क्या पाइनस है या इफेड्रा है या आपका गिंगो है या आपका नन ऑफ दीज है ठीक है तो इनमें से कोई एक ऐसा है जो कैसा है जीवित जीवाश्म है ठीक है कौन सा है आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर एट का आंसर क्या हो जाएगा चलिए बताइए एट तो आपका हो जाएगा सा ठीक है क्या हो जाएगा गिंको ठीक है क्या है ये आपका जीवित जीवाश्म कैसा है जीवित ठीक है कौन गिंको ठीक है ठीक है क्या है निम्न में से कौन सा जीवित जीवाश्म है जैसे अभी देखा था क्या आपका कैड्रस ड्यूडारा है या आपका जिनेटम है या आपका गिंकू विलोवा है या आपका इफेड्रा फोलिएटा है तो कौन सा हो जाएगा आपका जीवित दीजिए क्वेश्चन नंबर नौ का क्या हो जाएगा आपका अभी हमने देखा था जीवित गिंको कहलाता तो ये भी क्या हो जाएगा ऑप्शन सा हो जाएगा ठीक है क्या हो जाएगा गिंको लिबोला ठीक है ली विलोला ठीक है क्या हो जाएगा बीलोबा गिंको बिलोबा ठीक है तो ये क्या है आपका गिंको बिलोबा एक जीवित जीवाश्म है ठीक है टेन निम्न में से कौन सा जीवित जीवाश्म है अब फिर पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा जीवित जीवाश्म है क्या एविज है इफेड्रा है साइकस है या जिनेटम है कौन है साइकस और जिनेटम इनमें से कौन सा आपका जीवित जीवाश्म है ये आपको बताना है ठीक है क्वेश्चन नंबर टेन का आंसर कीजिए क्या हो जाएगा आपका चलिए तो ये तो है नहीं क्या हो जाएगा आपका द जिनेटम क्या है आपका द आंसर हो जाएगा ठीक है जिनेटम आपका क्या है एक जीवित ठीक है भी आपका एक जीवित जीवाश्म है और इससे पहले क्या था आपका गेंको ठीक है नेक्स्ट इलेवन कह रहा है जीवाश्म की आयु ज्ञात होती है ठीक है जीवाश्म फॉजिल की जो आयु है वो कैसे ज्ञात होती है क्या रेडियो आइसोटोप से के प्रयोग से या स्केल्स के प्रयोग से या वलयों को गिनकर या इनमें से कोई नहीं तो इनमें से ऐसा कौन सा साधन है जिससे हम क्या कर सकते हैं जीवाश्म की आयु पता लगा सकते हैं ठीक है क्वेश्चन नंबर इलेवन का आंसर कीजिए क्या हो जाएगा तो जीवाश्म की आयु ज्ञात करने का तरीका क्या है आपका रेडियो आइसोटोप के प्रयोग से ठीक है किसके रेडियो आइसोटोप के प्रयोग से तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ठीक है तो जीवाश्म की आयु ज्ञात करने का तरीका क्या है रेडियो आइसोटोप के प्रयोग से ठीक है तो आंसर आपका आ हो जाएगा ठीक है क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व क्या पूछ रहा है कंप्रेशन जीवाश्म का उदाहरण क्या पूछ रहा है कंप्रेशन जीवाश्म का उदाहरण है क्या आपका रहनिया है या आपका लेपिडोडेंड्रॉन है या आपका बोथ ए और बी दोनों है या आपका नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं है ठीक है तो कंप्रेशन जीवाश्म की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपके अनुसार क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व का ठीक है बताइए तो आंसर हो जाएगा आपका है क्या हो जाएगा लेपिडोडेंड्रॉन ठीक है क्या हो जाएगा लेपिडोडेंड्रॉन जो कि क्या है आपका एक प्रकार का कंप्रेशन जीवाश्म का उदाहरण है ठीक है थर्टीन कह रहा है पेलियोजाइक युग कहलाता है पेलियोजाइक युग कहलाता है मांस एवं हॉस्टेल का युग पृथ्वी पर उद्भव उद्भव का युग थोड़ा इधर कर लेता मांस एवं हॉस्टेल का युग और पृथ्वी के उद्भव का युग और गैर शैवाल का युग या उपरोक्त सभी तो इनमें से क्या ये सभी है क्या कोई एक ऐसा है जिसको हम क्या कहते हैं पेलियोजायक युग कहलाता है ठीक है तो आंसर कीजिए कौन सा हो जाएगा या सभी है या इनमें से कोई एक सही है ठीक है तो पेलियोजायक जो युग है आपका वो क्या कहलाता है मार्स एवं हॉर्स टेल का युग ठीक है मार्स एवं हॉर्सटेल के युग को क्या कहते हैं पेलियोजायक युग कहते हैं ठीक है तो इस तरह से आपका यूनिट वन का ठीक यूनिट फोर्थ का ठीक है जो भी आपके क्वेश्चन थे थर्टीन सभी हमने डिस्कस कर लिए हैं अब हम बात करेंगे नेक्स्ट यूनिट ठीक है फिफ्थ ठीक है यूनिट आपका फिफ्थ है ठीक है तो इसमें हम पढ़ेंगे यूनिट फिफ्थ में चलिए तो ये जो यूनिट है आपका फिफ्थ ठीक है इसकी अगर हम बात करें फिफ्थ यूनिट की ओ नो नो चलिए तो इसमें हमने किसका अध्ययन किया था हमने पढ़ा था कि जो आपके एनजीओ स्पर्म है कौन से हैं एनजीओ स्पर्म ठीक है आवृत्त बीजी की आकार की ठीक है यानी कि मार्फोलॉजी ऑफ एनजीओ स्पर्म ठीक है ये आपका यूनिट का नाम है तो इससे संबंधित ठीक है जो आपके एनजीओ स्पर्म है इससे संबंधित ही इसमें आपके सभी क्वेश्चन होंगे ठीक है इससे संबंधित ही सभी आपके इसमें क्वेश्चन होंगे तो इन्हीं के बारे में हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपका क्या हो जाएगा फर्स्ट ठीक है यूनिट फाइव का क्वेश्चन नंबर वन कह रहा है पुष्प क्रम पाया जाता है ठीक है कैपिटुलम पुष्पक्रम किस एनजीओस्पर्म में पाया जाता है ये कह रहा है अनेथेसी में या आपका एस्ट्रेसी में या आपका पोएसी में या आपका सोलेनेसी में ठीक है ये सभी आपके कुल हैं तो इनमें से ऐसा कौन सा कुल है जिसमें आपका कैपिटुलम पुष्पक्रम पाया जाता है ठीक है क्या हो जाएगा आंसर यूनिट फोर्थ 5 का ठीक है चलिए आंसर कीजिए क्या हो जाएगा 5th का तो इसकी अगर हम बात करें तो ये आपका एस्ट्रेसी कुल में पाया जाता है ठीक है एस्ट्रेसी कुल में आपका कैपिटुलम पुष्पक्रम पाया जाता है ठीक है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सेकंड कह रहा है पंखीय वर्तिकाग्र पाया जाता है पंखीय वर्तिकाग्र पाया जाता है ठीक है जो आपका स्टिग्मा होता है ये कैसा होना चाहिए पंखीय की बात कर रहा है तो ये किस में पाया जाता है कि आपका म्यूसेसी में पाया जाता है सोलेनेसी कुल में पाया जाता है या ग्रेमनी में पाया जाता है या आपका साइप्रेसी में पाया जाता है ठीक है तो इसकी बात कर रहा है कि पंखी वर्तिकाग्र किस में पाया जाता है कौन से कुल में पाया जाता है तो ये आपको बताना है ठीक है चलिए आंसर कीजिए सेकंड का क्या हो जाएगा सेकंड का तो ये जो आपका पंखी वर्तिकाग्रह है ये आपका ग्रेमनी में पाया जाता है ठीक है किस में पाया जाता है ग्रेमनी कुल में थर्ड की बात करें द्विबीजपत्री कुलों में सबसे अधिक विकसित कुल है ठीक है दो पत्री कुलों में सबसे अधिक विकसित कौन सा कुल है कि आपका रेनन कुलेसी है या आपका ग्रेमिनी कुल है कंपोजिटिव कुल है या पॉमी कुल है ठीक है दो पत्रों में ठीक है तो दो पत्र ऐसे भी जिनमें आपके दो बीज पत्र पाए जाते हैं ठीक है थीके? जैसे आपका चना हो गया ठीक है मटर हो गया तो ये क्या है आपके दो बीज पत्री ठीक है थीके? सरसों हो गया ठीक है जिनके दाने में आपको दो बीज पत्र कुछ इस तरह से दिखाई दें ठीक है तो उनको हम कहते हैं द्विबीज पत्र ठीक, क्या है द्विबीज पत्र तो इनमें से सबसे अधिक विकसित कौन सा कुल है ये आपको बताना है ठीक है थर्ड का आंसर आपका क्या हो जाएगा चलिए तो ये आपका है कौन सा कुल है कंपोजिटी कुल है ठीक है जो कि आपका द्विबीज पत्री कुल का सबसे अधिक विकसित जो है कुल है ठीक है क्वेश्चन नंबर फोर कह रहा है ठीक है आवृत पौधों के कुल में सबसे कुल में कौन सा कुल सबसे अधिक विकसित है ठीक है ठीक है एनजीओ पौधों के कुल में कौन सा कुल सबसे अधिक विकसित है क्या सोलन एसी है, है या है या आपका पोएसी कुल है ठीक है तो कौन सा कुल है जो अबृत बीजी पौधों में सबसे अधिक विकसित है क्वेश्चन नंबर फोर का आंसर क्या हो जाएगा आपके अनुसार तो इसका आंसर हो जाएगा द ठीक है क्या हो जाएगा पोएसी ठीक है पोएसी सबसे अधिक विकसित कुल है किसका आपका आवृत बीजी पौधों के कुल में से ठीक है फिफ्थ कह रहा है कौन सी फैमिली क्या प्रिमेटिव एनजीओ स्पर्म में आती है ठीक है यानी कि सबसे पहले प्रिमेटिव बहुत पूर्व ठीक है सबसे पहले जिनका उद्भव हुआ हो या जिनके बारे में स्टडी की हो तो ऐसी कौन सी फैमिली है जो आपकी प्रिमिटिव एनजीओ स्पर्म में आती है क्या सोलेनेसी है ये है या आपका या आपका पोएसी है ठीक है तो ऊपर वाले ही सेम दे रखे हैं तो बताना है कौन सा आपका ऐसा कुल है या ऐसी फैमिली है ठीक है फिफ्थ का आंसर क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू यू तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मैग्नोलिएसी ठीक है आंसर सा ठीक है क्या हो जाएगा मैग्नोलिएसी ठीक है क्या है ये आपका सबसे प्रिमेटिव एनजीओ है ठीक है सबसे प्रिमेटिव एनजीओ का कुल या फैमिली है ठीक है पुष्प छत्रक पुष्पक्रम पाया जाता है ठीक है पुष्प छत्रक पुष्प क्रम किसमें पाया जाता है यानी कि पुष्पों का ऐसा क्रम जो छत्रक के रूप में हो वो इनमें से किसमें पाया जाता है कंपोजिटी कुल में पाया जाता है रूटेश कुल में पाया जाता है या आपका कुल में पाया जाता है या आपका एम्बिलो एम्बिली एम्बेली फेरी कुल में पाया जाता है तो इनमें से कोई एक ठीक है जिसमें आपका छत्रक पुष्प छत्र क्रम का पुष्पक्रम पाया जाता है ठीक है तो आंसर कीजिए क्या हो जाएगा सिक्स का चलिए तो द ठीक है किसमें पाया जाता है आपका अम्बेली फेरी में ठीक है किसमें अम्बेली फेरी में जो आपका पुष्पक्रम होता है वो तो कैसा होता है आपका पुष्प छत्रक ठीक है कैसा होगा आपका पुष्प छत्रक प्रकार का होगा ठीक है तो आंसर द हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेवन क्या कह रहा है गायनो बेसिक ठीक है क्या है आपका गायनो वर्तिका किस कुल का लक्षण है ठीक है वर्तिका किस कुल का लक्षण है ठीक है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गैन होता है किसी फ्लावर uh, uh, उसका प्लांट uh, का ठीक है तो क्या कंपोजिटी का होता है या आपका लेविएटी का होता है या आपका क्रूसुफेरी का होता है या आपका एम्बेली फेरी का होता है ठीक है तो इनमें से क्या बताना है इनमें से कोई ऐसा है जिसमें गाइनो बेसिक वर्तिकाग्र पाया जाता है ठीक है कुल का लक्षण पाया जाता है तो आंसर कीजिए क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेवन का तो ये आपका कौन सा कुल है लेबियसी कुल ठीक है क्या है आपका लेबी कुल है ठीक है आंसर क्या हो जाएगा आपका ठीक है लेबिय कुल ईट की बात करें तो कह रहे हैं इनमें से कौन से पौधे की जड़ से औषधि बनती है इनमें से ऐसा कौन सा पौधा है जिसकी जड़ से औषधि प्राप्त होती है तो बेलाडोना है या सिनकोना है सर्पगंधा है या अफीम है ठीक है कोई एक ऐसा है जिसकी जड़ से औषधि प्राप्त की जाती है तो क्या हो जाएगा आपका एट का आंसर सर्पगंधा सा वाला ठीक है तो सर्पगंधा आपका एक ऐसा पौधा है जिसकी जड़ से क्या मिलता है आपको मेडिसिन या औषधि मिलती है ठीक है नौ कह रहा है एस्टेरिसी कुल में कुल से संबंधित असत्य कथन को बताइए ठीक है एस्टरेसी कुल से संबंधित ऐसा कौन सा कथन है जो उस कुल से भिन्नता न रखता हो ठीक है भिन्नता रखता हो ठीक है उसके लिए सत्य ना हो क्या है इंफीरियर अंडा से होता है इनमें या सिपसेला फल पाया जाता है या आपका अम्बेल पुष्पक्रम पाया जाता है या आपका सिनेजलेसियस दशा होती है तो इनमें से कौन सा है जो आपका एस्टेरिकुल से संबंधित असत्य हो ठीक है यानी कि उनसे संबंधित ना हो ठीक है तो कौन सा हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर नौ का आंसर क्या हो जाएगा तो हो जाएगा इसका सा ठीक है क्या हो जाएगा सांबेल पुष्पक्रम ठीक है तो ये जो आपका एस्टेरिकल है ठीक है इसमें आपका इस तरह का पुष्पक्रम नहीं पाया जाता ठीक है किस तरह का अम्बेल पुष्पक्रम इसमें नहीं पाया जाता ठीक है कौन से एस्टेरी कुल में ठीक है क्वेश्चन नंबर टेन कह रहा है साइथियम एक विशेष प्रकार का पुष्पक्रम है जो पाया जाता है ठीक है ये विशेष प्रकार का पुष्पक्रम है ठीक है यानी कि पुष्पों के क्रम को दर्शाता है ठीक है जो किस में पाया जाता है में पाया जाता है यह आपका रिसिनस में पाया जाता है यह जेट्रोफा में पाया जाता है यह आपका एकेल्फा में पाया जाता है ठीक है यह आपका एक प्रकार का क्या है पुष्प क्रम है इनमें से किस में पाया जाता है यह आपको बताना है ठीक है चलिए आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर टेन का क्या हो जाएगा चलिए तो ये पाया जाता है आपका यू फोरबिया में ठीक है किसमें यू फोरबिया में आपका साइथियम प्रकार का क्या है पुष्पक्रम पाया जाता है ठीक है क्या पाया जाता है पुष्पक्रम ठीक है किस प्रकार का आपका साइथियम प्रकार का इलेवन कह रहा सायथियम पुष्पक्रम किस कुल में पाया जाता है ठीक है अब वही लिखा है जैसे ऊपर लिखा है वैसे ही नीचे लिखा है तो क्या आपका एस्टेर में पाया जाता है यू में पाया जाता है आपका रोजेसी में पाया जाता है या सोलेनेसी में पाया जाता है ठीक है तो इसमें और इसमें कोई ज्यादा विशेष अंतर नहीं है ठीक है तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा आपका यू फॉर बी एस यानी कि बी ठीक है क्या हो जाएगा यू फॉर बी एस में जो है साइथियम प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व क्या पूछ रहा है बेसल एस विन्यास किस कुल में पाया जाता है ठीक है तो बेसल जरायु विन्यास जो है वो आपका कौन से कुल में पाया जाता है क्या कंपोजिटी कुल में पाया जाता है या मालबेसी कुल में पाया जाता है क्रूसी फेरी कुल में पाया जाता है या सोलेनेसी कुल में पाया जाता है ठीक है चार कुल दे रखे इनमें से जरायु विन्यास कौन सा बेसल जरायु विन्यास किस में पाया जाता है ये आपको आंसर बताना है ठीक है क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व का आंसर क्या हो जाएगा आपके अनुसार चलिए तो ये जो है आपका इस प्रकार का जरा विन्यास आपका कंपोजिटी में पाया जाता है तो आंसर क्या हो जाएगा आपका आ हो जाएगा ठीक है आंसर आपका आ हो जाएगा थर्टीन किस कुल के पुंकेसरों में क्या मोनाडेल्स मोनाडेल्फस व्यवस्था पाई जाती है और आपकी डाइथिकस पराकोश होते हैं ऐसा कौन सा कुल है ठीक है जिसके पुंकेसरों में आपके मोनाडेल्फस व्यवस्था पाई जाती है और डाइथिकस कैसा डाइथिकस पराकोश होता है तो मालवेसी है या कुकरबिटेसी है या आपका मिर्टेसी है या कंपोजिटी है ठीक है तो इनमें से कोई एक ठीक है वो आपको बताना है ठीक है तो थर्टीन का अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा आपका मिर्टेसी ठीक है क्या है मिरटेसी एक ऐसा आपका कुल है जिसमें पुंकेश्रों में क्या पाया जाता है मोना डेलफस अवस्था व्यवस्था पाई जाती है और इसमें डाइथिकस आपका पराकोश होता है ठीक है तो क्या है आपका मिर्टेसी ठीक है क्वेश्चन नंबर फोर्टीन पोलिनिया को किसको पोलिनिया को संयुक्त पराकड़ भी कहते हैं यह पाए जाते हैं क्या नीरियम में पाए जाते हैं या आपका कैलोट्रॉपिस में पाए जाते हैं या आर्किड में पाए जाते हैं या पॉलीगोनम में पाए जाते हैं तो किसमें आपके इस तरह के जो है पराकड़ पाए जाते हैं ये आपको बताना है चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्टीन का आंसर क्या हो जाएगा तो यह हो जाएगा आपका कैलोट्रोपिस ठीक है बा ठीक है आंसर क्या हो जाएगा आपका बा ठीक है कैलोट्रोपिस ठीक है ये आपका एक प्रकार का क्या है एक प्रकार का कुल है जिसमें क्या पाया जाता है आपका पॉलिनियम संयुक्त तो पराकड़ भी पॉलिनियम जो है संयुक्त तो पराकड़ पाया जाता है ठीक है फिफ्टीन कह रहा है सेजिटेड पराकोस तथा ए, ट्विस्टेड एस्टिवेशन किस कुल के लक्षण है ठीक है क्या है आपका सेजिटेड पराकोस और ट्विस्टेड एस्टिवेशन किस कुल के लक्षण है क्या क्रूसी के लक्षण है या मालवेसी के लक्षण है या आपका एपोसाइनेसी के है या आपका रूटेसी के है ठीक है तो इनमें से ये लक्षण किस कुल के हैं ये आपको बताना है ठीक है क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन का आंसर क्या हो जाएगा चलिए तो आंसर हो जाएगा आपका सा ठीक है क्या हो जाएगा एपोसाइनेसी क्या हो जाएगा एपोसाइनेसी ठीक है क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन का सा ठीक है सिक्सटीन किस कुल के गायनेशियम में एपोकार्पस दशा पाई जाती है ऐसा कौन सा कुल है जिसके गाइनेशियम में क्या पाया जाता है आपका एपोकार्पस दशा पाई जाती है क्या रैनन कुलेश कुल है या आपका कैपेरिडेसी है या आपका मालवेसी है या आपका मिर्टेसी कुल है ठीक है तो इनमें से कोई एक सही आंसर है वो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन का ठीक है तो ये जो दशा है ये आपका रैनन कुल में पाई जाती है ठीक है ये गायनेशियम एपी कार्पस की दशा आपके किस में पाई जाती है रैनन कुलसी कुल में जो है पाई जाती है ठीक है क्वेश्चन नंबर सेवनटीन कैरा सिन जिनीशियम, सिन जिनीशियस एवं एपीपीटेल पुंकेसर तथा इंफीरियर अंडाशय किस कुल में पाए जाते हैं तो इस कौन सा एक ऐसा कुल है जिसमें आपका क्या पाया जाता है एपी एपीपेटेलस और पुंकेसर और आपका इंफीरियर अंडास है ठीक है तो आपका लिलियसी कुल है या मालवेसी कुल है या सोलेनेसी या कंपोजिटिव ठीक है कोई एक को कुल ऐसा है जिनमें से आपकी ये कंडीशन पाई जाती हैं ये आपको बताना है ठीक है तो क्वेश्चन नंबर सेवनटीन का आंसर क्या हो जाएगा चलिए आंसर बताइए तो ये क्या है आपका ये एक प्रकार का आपका कंपोजिटिव कुल होता है क्या होता है आपका कंपोजिटिव कुल होता है ठीक है जिसमें आपका इंफीरियर अंडास है पाया जाता है और आपका इपिपेटेलस पुंकेसर पाया जाता है ठीक है क्वेश्चन नंबर एटीन कह रहा है लिलियसी के लिलियसी के पुष्पों में एक विशेष लक्षण है क्या है एक लक्षण लिलियसी के पुष्पों में क्या हाइपोगाइनस हाइपोगाइनस इनमें पुष्प होता है या आपका एक्टिनोफार्मिक होता है या आपका ट्राइमेरस होता पुष्प होता है या आपका द्विलिंगी पुष्प होता है ठीक है किसमें आपका लिलियसी पुष्प के पुष्प में एक आपका किस प्रकार का विशेष लक्षण होता है तो ये आपको बताना है 18 का आपका आंसर क्या हो जाएगा चलिए आंसर कीजिए तो ये इसमें किस तरह का होता है भाई ये आपका ट्राई मैरस पुष्प होता है कैसा होता है आपका ट्राई मैरस पुष्प होता है ठीक है जो कि आपके लिलियसी पुष्पों का एक विशेष लक्षण है क्वेश्चन नंबर नाइनटीन कह रहे हैं कंपोजिटिव कुल का पौधा जो संपूर्ण भारत में एक समस्या बन चुका है क्या चावल सूरजमुखी गेंदा और पॉलीथीनियम ठीक है तो पॉलीथिनियम को कांग्रेसी घास भी पार्थीनियम को ठीक है इसको पार्थीनियम को कांग्रेस घास के नाम से भी जानते हैं तो ये कौन सा है आपका कंपोजिटिव कुल का एक पौधा चलिए क्वेश्चन नंबर नाइनटीन का आंसर क्या हो जाएगा चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पार्थीनियम क्या हो जाएगा पार्थीनियम जिसे कांग्रेस घास के नाम से भी जानते हैं जो क्या है पूरे भारत में एक समस्या बन चुका है ठीक है पार्थीनियम क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी कह रहा है वर्टिसलास्टर पुष्प क्रम पाया जाता है तो ये जो आपका बर्टी सिलास्टर क्या है पुष्प क्रम की संरचना है तो इस प्रकार की पुष्पक्रम में पाया जाता है क्या केसर में पाया जाता है आम में पाया जाता है तुलसी में पाया जाता है या गेंदा में पाया जाता है ठीक है तो आंसर क्या हो जाएगा का चलिए बताइए तो इस प्रकार का जो बर्टिस पुष्प क्रम है ये आपका तुलसी में पाया जाता है ठीक है किस में पाया जाता है तुलसी में तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सा हो जाएगा ठीक है तो तुलसी में जो है बर्टिस प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन फूला हुआ जरायु तथा तिरछापट किस कुल में पाए जाते हैं ठीक है फूला हुआ जरायु और तिरछापट ऐसा कौन सा कुल है निम्न में से जिसमें ये पाए जाते हैं कि आपका कैप्रीडेसी है कि आपका सोलेनेसी है, है या आपका मृटेशी है या आपका ग्रेमनी है ठीक है तो इनमें से कोई एक ऐसा कुल है जिसमें आपका फूला हुआ जरायु और तिरछापट पाया जाता है ठीक है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी का आंसर क्या हो जाएगा तो इस प्रकार की जो व्यवस्था है वो आपकी सोलह नेसी में पाई जाती है ठीक है किसमें सोलह नेसी कुल में जो है ये व्यवस्था आपकी पाई जाती है ट्वेंटी टू किस कुल की पत्तियों में वायल ग्लैंड पाई जाती हैं ऐसा कौन सा कुल है जिनकी पत्तियों में आपकी वायल ग्लैंड्स या तेलीय ग्रंथियाँ पाई जाती हैं तो रुटेसी कुल है या कंपोजिटी कुल है या लेमियसी कुल है या रैनन कुल ऐसी कुल है तो इनमें से कोई एक ठीक है वो क्या है आपका आंसर क्या हो जाएगा ट्वेंटी टू का ठीक है Osionfish. तो इसकी अगर हम बात करें तो ये क्या होता है आपका रोटेसी होता है क्या होता है आपका रोटेसी ठीक है जिसकी पत्तियों में आपकी ऑयल ग्लैंड पाई जाते हैं किसके में रूटेसी कुल के पत्तियों में ठीक है चलिए ट्वेंटी थ्री यदि नर जननांग मादा जननांग से पहले विकसित हो ठीक है नर जननांग मादा जननांग से पहले विकसित हो तो ऐसे पुष्प कहलाते हैं क्या कहलाते हैं ऐसे पुष्प क्या डाइको कहलाते हैं यह आपका प्रो एंथर कहलाते हैं यह आपका कह टेंड्रस कहल, कहलाते हैं यह आपका इनमें से कोई नहीं ठीक है कब जब नर जननांग मादा जननांग से पहले विकसित हो जाए तो क्या कहलाएंगे ऐसे पुष्प आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर आपका ट्वेंटी थ्री का क्या हो जाएगा चलिए तो इनको कहते हैं प्रो टेंड्रस क्या कहते हैं प्रो टेंड्रस आंसर क्या हो जाएगा आपका सा ठीक है इनमें क्या होता है नर जननांग मादा जननांग से पहले ही विकसित हो जाता है ठीक है किसमें प्रो में ठीक है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर कह रहा पुष्प में पुमंग तथा जायांग क्या पुष्प में पुमंग तथा जायांग स्थित लंबवत अक्ष को कहा जाता है पुमंग पुमंग और जायांग ठीक है पुमंग पुमंग क्या होता है आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है फ्लावर फिल, का जायंग क्या होता है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है आपका फ्लावर का ठीक है तो एक इसमें पाया जाता है गाइनोफोर या आपका एंथ्रो एंथोफोर या एंड्रोफोर या इनमें से कोई नहीं तो इस अक्ष को क्या कहते हैं ये आपको बताना है, ठीक है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी का आंसर क्या हो जाएगा चलिए इस व्यवस्था को क्या कहते हैं अभी गायनोफोर ठीक है गाय 4, क्या कहते हैं इस अक्ष को गायनोफोर जो है अक्ष कहा जाता है ठीक है ये लंबवत अक्ष को क्या कहते हैं गायनोफोर ट्वेंटी फाइव किस कुल में वाहिदल पैपस में परिवर्तित तो हो जाता है ठीक है जो आपका वाहिदल है वो किस में बदल जाता है पैपस में बदल जाता है कौन से कुल में एसटीरेसी कुल में सोलेनेसी कुल में या रेनन या आ और दोनों में ठीक है तो चलिए क्या हो जाएगा आंसर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव का ठीक है किसका ट्वेंटी फाइव का आंसर क्या हो जाएगा तो ये आपका कौन सा कुल है एसटी रेसी कुल है ठीक है क्या है एस टी रेसी कुल है जिसमें पेपस में कन्वर्ट हो जाता है ठीक है तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका आठ ठीक है क्या हो जाएगा एसटी रेसी कुल ठीक है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स क्या कह रहा है छत्रक क्या कह रहा है आपका छत्रक पुष्पक्रम ठीक है छत्रक पुष्पक्रम क्या है साइजोकार्पिक फल और क्रीमोकार्प और आपका मैरीकार्प तथा स्टाइलोपोडियम पाए जाते हैं तो ये सभी चीज़ें किस में पाई जाती हैं ठीक है कैसा छत्रक पुष्पक्रम होगा आपका और साइजोकार्पिक फल होगा और क्रीमोकार्प और मैरीकार्प तथा स्टाइलोपोडियम में पाए जाते हैं सोलेनेसी में पाए जाते हैं अम्बली में पाए जाते हैं या रूटेसी में पाए जाते हैं या आपका साइप्रेसी में पाए जाते हैं ठीक है तो कौन सा कुल है जिसमें ये सभी चीजें जो है आपको देखने को मिलती हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी का आंसर क्या हो जाएगा चलिए <coughs> तो ये आपका एपीएसी कुल होता है ठीक है जिसे एम्बली फेरी कहते हैं ठीक है थीके? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका बा ठीक है एम्बली फेरी या एपीएस कुल में ये सभी चीजें आपको देखने को मिल जाते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन किस कुल में बहुत से बीज होते हैं ऐसा कौन सा कुल है जिसमें बहुत से बीज पाए जाते हैं कंपोजिटी है या ग्रामिनी है या आपका सोलेनेसी है या किसी में नहीं तो कोई एक इनमें से ठीक है इसका आपको बताना है कौन सा हो जाएगा आंसर ट्वेंटी सेवन का ठीक है चलिए ट्वेंटी सेवन की अगर हम बात करें तो बहुत से बीज आपके सोलेनेसी कुल में पाए जाते हैं ठीक है किस में पाए जाते हैं सोलेनेसी कुल में जो है बहुत से बीज पाए जाते हैं ठीक है थीका? चलिए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट कह रहा है गन्ने के अंदर किसके अंदर गन्ने के अंदर पुष्पक्रम पाया जाता है क्या स्पाइक प्रकार का होता है या आपका कैटकिन प्रकार का होता है या पैनिकल प्रकार का होता है या लास्टर प्रकार का होता है तो इनमें से कौन सा है जो कि बताता है कि गन्ने के अंदर पुष्पक्रम इस प्रकार का पाया जाता है तो कौन सा होगा उसमें से चलिए ट्वेंटी एट का आंसर क्या हो जाएगा तो इसमें जो पुष्पक्रम पाया जाता है वो आता है आपका पैनिकल ठीक है तो पैनिकल प्रकार का पुष्पक्रम आपका गन्ने के अंदर जाता पाया जाता है ठीक है याद रहेगा ट्वेंटी नाइन कह रहा है पेपिलियोनेसी ठीक है क्या है पेपिलियोनेसी कुल में प्रेजेंटेशन पाया जाता है पेपिलियोनेसी कुल में प्रेजेंटेशन पाया जाता है पैराइटल में यह आपका एक्साइल और आपका मार्जिनल या आपका फ्री सेंट्रल तो कैसा होता है इसमें आपका प्लेजेंटेशन चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन का आंसर क्या हो जाएगा आपका तो अगर हम इसकी बात करें कुल में प्लीजेंटन पाया जाता है तो कैसा पाया जाता है मार्जिनल प्रकार का ठीक है तो आंसर क्या हो जाएगा आपका सा हो जाएगा ठीक है तो इसमें मार्जिनल प्रकार का आपका जो है प्लेजेंटेशन पाया जाता है थर्टी कह रहा है क्ली फूल पाए जाते हैं तो इस तरह के फूल जो है आपके कहाँ पाए जाते हैं थर्टी का क्ली स्टोगेमस ठीक है क्लिष्टो फूल पाए जाते हैं क्रूसीफेरी में या आपके रुटेसी में या, या रोजेसी में या आपके रैनन कुलेसी में ठीक है तो ये चार कुल हैं तो इनमें से ऐसा कौन सा है जिसमें आपका क्लिस्टोगैमस प्रकार के जो है फूल पाए जाते हैं ठीक है तो थर्टी का आंसर आपका क्या हो जाएगा चलिए आंसर कीजिए थर्टी का क्या हो जाएगा <स्क्थ> <स्क्थ> तो ये जो आपका क्लिस्टोगैमस प्रकार का फूल है यह आपका रूटेसी कुल में पाया जाता है ठीक है किस में पाया जाता है रूटेसी कुल में पाया जाता है ठीक है क्वेश्चन नंबर थर्टी वन कैरा ओब डिप्लो स्टेमिनस स्थिति पाई जाती है ठीक है कौन सी आपकी ओब डिप्लो स्टेमिनस स्थिति किस में पाई जाती है रूटेसी में पाई जाती है या आपकी रूबियसी में पाई जाती है या रोजेसी में पाई जाती है या उपरोक्त सभी में पाई जाती है तो ये कंडीशन किस में पाई जाती है ये आपको बताना है ठीक है थर्टी वन का आंसर आपका क्या हो जाएगा तो ये जो आपका ओब डिप्ले ओब डिप्लो स्टेमिनस होता है ये आपका रूटेश कुल में पाया जाता है ठीक है किस में पाया जाता है भाई रुटेसी कुल में पाया जाता है ठीक है क्वेश्चन नंबर थर्टी टू कह रहा है पोइसी कुल के पुष्प में एरियंथ पोसी कुल के पुष्प में एरियंथ पाया जाता है ठीक है एरियंथ पाया जाता है लिग्यूल द्वारा या आपका व्रैक्टिवल द्वारा या आपका लेडिक्यूल द्वारा या आपका इनमें से कोई नहीं ठीक है तो इनमें से कौन सा है जिनमें पोसी कुल के पुष्पों में ये पाया जाता है है ठीक किसके द्वारा चलिए का आंसर करेंगे क्या हो जाएगा तो इसकी अगर हम बात करें तो इसमें जो आपका एरियंथ पाया जाता है वो होता है आपका लोडिक्यूल द्वारा ठीक है किसके द्वारा लोडिक्यूल के द्वारा तो आंसर क्या हो जाएगा आपका सा हो जाएगा ठीक है क्या सा थर्टी थ्री कह रहा है निम्नलिखित में से किसकी पत्तियों में समानांतर शिरा विन्यास पाया जाता है ऐसा कौन सा है इनमें से जिनकी पत्तियों में समानांतर शिरा विन्यास पाया जाता है क्या आलू है सरसों है केला है या आपका यूफोरबिया है ठीक है तो आंसर कीजिए किसकी पत्तियों में समानांतर विन्यास पाया जाता है थर्टी थ्री का आंसर क्या हो जाएगा चलिए तो समानांतर विन्यास की अगर हम बात करें पत्तियों में तो ये केला है ठीक है क्या है आपका केला जिसकी पत्तियों में समानांतर विन्यास पाया जाता है ठीक है तो आंसर क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा ठीक है केला इसकी पत्तियों में समानांतर विन्यास आपका पाया जाता है ठीक है तो दो चार और बचे हैं चलिए कुकर बिटेसी कुल में किस प्रकार के पुमंग पाए जाते हैं तो कुकर बिटेसी कुल की अगर हम बात करें तो इनमें जो आपके पुमंग होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं आपके सिन एंड्रम प्रकार के ठीक है कौन से प्रकार के होते हैं आपके सिन एंड्रम सिन एंड्रस प्रकार के आपके उमंग पाए जाते ठीक है थर्टी फाइव मटर में किस प्रकार का परागण होता है ठीक है तो मटर की अगर हम बात करें तो मटर में जो परागण होता है वो स्वपरागण होता है कैसा होता है आपका स्व परागण ठीक है परागण यानी कि अपने आप से ठीक है अपने आप से परागण होता है ठीक है यानी कि जो आपके परागकण होंगे क्या होंगे आपके परागकण ठीक है जो किस में पाए जाते हैं आपके पराग कोष में पाए जाते हैं ठीक है इसमें आपके क्या होंगे परागकण अब ये परागकण कर क्या करेंगे कहाँ तक पहुंच जाएंगे वर्तिकाग्र तक ठीक है अपने आप से ठीक है परागकण वर्तिकाग्र तक स्वतः पहुंच जाएंगे किसमें हम किसकी बात कर रहे हैं मटर की ठीक है तो ऐसे परागर को हम कहते हैं स्वतः परागर ठीक है जो कि आपका मटर में पाया जाता है थर्टी सिक्स कह रहा है कीमोकार्प फल किस कुल का विशिष्ट लक्षण है तो कीमोकार्पिक कार्पिक अगर हम बात करें जो हमने अभी ऊपर देखा था तो क्या था आपका एपीएसी कुल का एक लक्षण है ठीक है किसका एपीएसी कुल का एक लक्षण है थर्टी सेवन कह रहा है कैपिटुलम पुष्पक्रम एवं सिपसेला फल किस कुल के पौधों में पाए जाते हैं कौन सा पुष्पक्रम कैपिटुलम पुष्पक्रम और सिपसेला फल ये कौन से पौधों में पाए जाते हैं तो ये आपके होते हैं कंपोजिटिव वाले पौधे कौन से होते हैं कंपोजिटिव वाले पौधों कंपोजिटी कुल के पौधों में जो है ये चीजें आपकी पाई जाती है कौन सी कैपिटुलम प्रकार का पुष्पक्रम मिलेगा और इनमें सिपसेला प्रकार का आपको फल देखने को मिलेगा ठीक है थर्टी एट कह रहा है आंवला किस कुल से संबंधित है ठीक है कौन आंवला जो है वो आपका कौन से कुल से संबंधित है तो ये आपका हो जाएगा यू फोर बी ए सी ये कौन से कुल से हो जाएगा यू फोर बी ए सी कुल से ठीक है तो ये आपका एक प्रकार का कुल है जिसमें आपका क्या रखा जाता है स, आ, आंवले को रखा गया ठीक है तो आंवले कौन से कुल से संबंधित है यू फोर बी एस सी कुल से संबंधित है ठीक है तो इस तरह से यहाँ पर आपका जो है फोर्थ और फिफ्थ ठीक है दो यूनिट्स के हमने जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं इसके बाद आपका सिक्स यूनिट और आपका सेवन यूनिट और आपका एट यूनिट ठीक है ये तीन यूनिट बचे हुए हैं ठीक है थीके? अगर बहुत ज्यादा इनमें क्वेश्चन होंगे तो अलग अलग डिवाइड कर देंगे वरना एक ही वीडियो में इनको एक इंक्लूड कर लेंगे ठीक है तो उम्मीद करते हैं ये जो आपका यूनिट फोर्थ और फिफ्थ था जिसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे समझ में आए होंगे मिलते हैं अगले वीडियो में बन रही है हमारे साथ तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयर द वीडियो और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें थैंक यू